Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. So, आज की वीडियो में हम बनाएंगे चना दाल नमकीन. मैं दो टाइप की चना दाल नमकीन बनाऊंगी. एक मैं मसाले के साथ या चटपटी नमकीन बनाऊंगी और एक मैं सिंपल जो है सॉल्टेड नमकीन वो बनाऊंगी. ये खाने के साथ या चाय के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने चना दाल ली है और मैंने इसको ओवरनाइट सोख करके रखा है. आपको इसको ओवरनाइट सोख करके रखना है और उसके बाद इसको ऐसे दो पीसेस में जब ये कट जाए तो उसका मतलब ये अच्छे से जो है अब सॉफ्ट हो चुकी हैं और अच्छे से अब हम इसकी नमकीन बना सकते हैं. अगर जब आप इसको हाथ से दो हिस्सों में तोड़े अगर ये नहीं टूटी तो इसका मतलब कि अभी इसको और सोख करने की ज़रूरत है. अब हमें जो है इसका जो सारा वाटर हमें ड्रेन करना है और इसको हमें ड्रेनर पे एटलीस्ट हमें इसको 2 से 3 घंटे के लिए रखना है ताकि जो सारा जो पानी है इस दाल का वो निकल जाए. इसको बिल्कुल भी गीला नहीं रखना है हमें, नहीं तो दाल बहुत हार्ड बनेगी. देखिए अब जब मैं हाथ लगा रही हूँ इसे तो मेरे हाथ गीले नहीं हो रहे. इसका मतलब जो है सारा पानी जो है वो अब ड्रेन हो चुका है और अब अभी भी ये सूखी नहीं है पूरी तरीके से. अब हम एक कॉटन की टाल लेंगे और कॉटन की टाल पे हम इसको जो है पूरा स्प्रेड करके रख देंगे और एटलीस्ट इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अगर ये अभी भी थोड़ी सी गीली है तो ये कम्प्लीटली जो है सूख जाए. इसका जो बाकी का जो पानी है कम्प्लीटली ये ड्राई हो जाए और सारा जो पानी है वो ड्राई हो जाए. अब ये देखें मैंने 2 से 3 घंटे के लिए रख दी और हमारी जो दाल है वो अच्छे से ड्राई हो चुकी है. अब हमें इसको फ्राई करना है तो मैंने पैन में हीट ऑयल मैंने ऑयल गरम किया है. सबसे पहले आप एक दाना डाल दीजिए और देख लीजिए कि क्या ये गर्म है. जब आप ऑयल गरम करें तो उसकी जो फ्लेम है वो हाई रख दे, लेकिन जब आप इसमें दाल डालें उसके बाद जो है आप फ्लेम लो कर दे. अगर आपने फ्लेम हाई करी तो ये दाल जो है ये पूरी जल जाएगी, ये बिल्कुल भी नमकीन जैसी नहीं बनेगी. और अगर आपने फ्लेम बिल्कुल ही लो रख दी तो ये बहुत हार्ड बनेगी. तो यहाँ पे जो है फ्लेम इसकी मीडियम पे रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो दाल जो एसेंस में जो क्रिस्पनेस आती है वो नहीं आएगी. वो तभी आएगी जब आप इसको मीडियम पे रखेंगे. अब आप हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है. देखिए जब ये फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती हैं. जब किसी भी चीज़ को हम फ्राई करते हैं तो ये श्रिंक होता है. अब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है क्योंकि मैं आधी जो दाल है वो मैं नमकीन रखूँगी तो इसलिए मैं सॉल्ट जो है पहले ही ऐड करूँगी. सॉल्ट पहले ही ऐड करने से होता है कि वो अच्छे से मिक्स हो जाता है दाल के साथ और हमें बाद में इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है. अगर जिन लोगों को सिंपल सॉल्टेड पसंद है तो वो अभी इसमें सॉल्ट डालें और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसको निकाल लें. बट जिन लोगों को चटपटा पसंद है, चटपटी दाल पसंद है, तो बाद में हम इसमें जो है थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे. अब जब तक ये क्रिस्प ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है. देखिए बिल्कुल ये क्रिस्प, आप एक उठा के एक दाना उठा के देख लीजिए और इसको खा लीजिए. जब ये अच्छे से क्रिस्प ब्राउन हो जाए तो ये इसका मतलब कि अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं. अब हमारी जो दाल है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं. अब हम इसको निकाल लेंगे और हमारी जो बाकी की जो भी जो दाल है वो हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे. अब दाल अच्छे से फ्राई हो गई है. मैंने इसको 2 सेपरेट प्लेट्स में मैंने इसको अलग अलग करके निकाला है. एक में हम एक हमने ऑलरेडी हमने इसमें सॉल्ट डाला है तो हम ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालेंगे. एक में हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालेंगे. इतना हमने कम डाला क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें सॉल्ट ऐड किया हुआ है. और उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक सॉरी मिर्ची और 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे. आमचूर पाउडर वही खट्टापन जो होता है इसमें वो आ जाएगा उससे. और हम इसके बाद हम इसको अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे. आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, स्पाइसेस को अच्छे से दाल के साथ मिक्स करना है. और आपकी चॉइस है आपको कौन सा वाला पसंद है, आपको सिंपल नमकीन पसंद है या आपको चटपटा पसंद है. मुझे पर्सनली मुझे नमकीन जो सिंपल वाली नमकीन होती है वो पसंद है, बट मेरे सिस्टर को जो है चटपटी पसंद है तो इसलिए मैंने 2 टाइप की बनाई. तो आप भी घर पर बनाएं, जैसी भी टाइप की आपको पसंद हो तो आप भी घर पर बनाएं और मुझे कॉमेंट्स में बताएं कि आपको ये दाल कैसी लगी. अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.